Good evening, everyone. Most welcome on CLC YouTube channel. I am Nilesh Pilania, CLC ND Academic Head. Today we are here for taking a review and analysis of September attempt 2024. Analysis with students. They said that the paper is so easy comparison to previous year, yeah, April attempt. टीचर्स के साथ भी मैंने डिस्कस किया, उनका भी कहना है कि सर पेपर इजी है. मैथ्स की बात करें तो एज यूजुअल रहा है, कोई ज़्यादा उसमें नहीं है. बल मैं ये कहूँगा कि पेपर का लेवल इजी रहा है, जिससे कि गुड अटेम्प्ट हैं वो हमेशा कंसिडर करते थे 60-65, बट इस बार बढ़कर वो ऑलमोस्ट 70 के आसपास होगा. गैट के पेपर की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर इंग्लिश का पोर्शन है नॉट टफ नॉट ईजी का कंसेप्ट रहा है. अगर जनरल स्टडीज में बात करें तो उसमें थोड़ा चेंजेस रहा है, जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन रहे हैं जो हमेशा 1-2 क्वेश्चन रहते थे, और करंट अफेयर को है वो 1 ईयर तक टच किया है. फिजिक्स की बात करें तो 11-12 की तरह हमेशा एज यूजुअल रहा है, और अगर केमिस्ट्री और बायो की बात करें तो वो भी 9-10 के लेवल एज यूजुअल रहा है. तो पेपर का लेवल जो है वो ईजी रहा है, डायरेक्ट अप्रोच के क्वेश्चन रहे हैं, ज़्यादा लेंथी का प्रोसेस नहीं रहा. इसलिए मैं उम्मीद करता हूं या फिर मैं मानता हूं कि लगभग 350 से नीचे तो मेरिट नहीं जाएगा, कट ऑफ ऑलमोस्ट 350 के आसपास जाएगी. आप सभी को सीएलसी परिवार की ओर से इस सितंबर अटेम्प्ट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं. आप हमारे आंसर की से मैच करके अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर मोर देन 350 है तो आप हमारे एसएसबी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 25th of September से. और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जो बैचेस स्टार्ट हैं उनमें बैच फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है 9th of September. आप हमारे से जुड़ने के लिए ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है 9358820434. जय हिंद, जय सीएलसी. ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड द व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो. तो आज 1st September है, आज NDA का पेपर है, तो उस पेपर के फर्स्ट 50 क्वेश्चंस इंग्लिश का, उसका सोल्यूशन आपके सामने. तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, इट्स नॉट टू टफ. प्रति सजेस्ट, तो सजेस्ट बताकर प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को यूज किया है, प्रेजेंट इनडेफिनेट का यूज किया है. तो करेक्ट आंसर होंगे दैट. प्रति सजेस्ट दैट आई आस्क योर एडवाइस, मुझे आपकी सलाह लेना है तो लेना चाहिए. दैट इज द बेस्ट वे टू आंसर. द करेक्ट आंसर इज डी. वी सॉ द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट इन द सिटी. नंबर सी, टू का सी. सिंस वी हैव बीन टूरिंग ऑल डे, सिंस यू हैव बीन टूरिंग ऑल डे, यू मस्ट बी टायर्ड, तो आप थक गए होंगे. थ्री का ए. फोर, हिज कंडीशन इज सीरियस बट इट कुड बी वर्स, ये और भी खराब हो सकता था. इट कुड बी वर्स, हिज कंडीशन इज सीरियस बट इट कुड बी वर्स. नंबर सी, आई होप द बस कम्स सून बिकॉज We have been waiting for half an hour. Number B. Panch ka B. Someone has spilt juice on the sofa. Six ka A. Someone, jaise shabd singular hota hai. To correct answer is A. Six ka. Seven. What would you do? What would you do? To ye आपके कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर है, उसी का इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस है. तो इसका मतलब ये आपके सबॉर्डिनेट क्लॉज वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, तो इसका मतलब इव क्लॉज के वर्ब हमेशा पास्ट इनडेफिनेट में होना चाहिए. व्हाट वुड यू डू इफ यू फाउंड योर लॉस्ट टॉय. नंबर ए, सेवन का ए. Eight, if I were you, conditional sentence again. अगर मैं आप होते तो मैं इसे नहीं खरीदता. I wouldn't buy that dress. Would plus V1. Correct answer is B. I wish, काश मैं आपकी मदद कर सकता. I could help you. Number A, 9 का A.
10. The efforts of the security services have not been quite up to the mark. Have not been quite up to the mark. Correct answer of 10 is D. अब इस सिनोनिम का करेक्ट आंसर बनाना है. व्हाइट लाई, सफेद झूठ, इसका मतलब हो गया अ लाई दैट यू टेल टू अवॉइड हर्टिंग समवन, किसी को चोट ना पहुंचे, किसी के दिल पे ठेस ना पहुंचे. इस बात को ध्यान रखते हुए अगर किसी को किसी तरह की झूठ बोला जाए तो उसे कहते हैं व्हाइट लाई. करेक्ट आंसर इज 11 का डी. बैड ब्लड. बैड ब्लड मीन्स एक तरह की नफरत जो लोगों के बीच में होता है, एक तरह की रंजिश, एक तरह की इस तरह की फीलिंग ऑफ हेट्रेड बिटवीन पीपल. करेक्ट ऑप्शन इज ए 12 का. काउंट योर ब्लेसिंग्स. काउंट योर ब्लेसिंग्स का मतलब होता है टू बी ग्रेटफुल फॉर थिंग्स इन योर लाइफ. अपने जीवन में कुछ अच्छे होने का आभार व्यक्त करना, दैट इज काउंट योर ब्लेसिंग्स. नंबर सी 13 का. हैव द लास्ट लाफ, यानी आखिरी हंसी हंसना. इसका मतलब है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था वो अगर जीत जाए तो ही हैज द लास्ट लाफ. तो इसका मतलब है टू सक्सीड व्हेन अदर्स थॉट यू वुड नॉट. सॉल्यूशन बी 14 का बी. 15. सिट ऑन द फेंस. इसका मतलब होता है दुविधाओं की स्थिति में कि करूं क्या ना करूं, किधर जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं. सिटिंग ऑन द फेंस, तो इसका मतलब होता है टू डिले मेकिंग अ डिसीशन. 15 का सी. तो ये आपकी पैसेज है. तो पैसेज का क्वेश्चन, What according to the passage is the unwelcome form of the globalization? इसका मतलब होता है globalization of the diseases. Globalization of diseases, correct answer होंगे 1 only. Number A. According to the passage, globalization of health has become imperative due to the indiscriminate use of antibiotics. Correct option of 17 is D. 18. According to the passage, resurgent diseases are affected by medical practices. Only one. A. According to the passage, many new diseases are emerging due to the change in land use because humans became adaptive and pass on their genes to related bacteria by way of plasmid transfer. Correct answer is 19 ka C. What is the meaning of the word epidemiology in the passage? Jiska matlab hota hai the scientific study of the spread and control of diseases. Correct option of 20 is B. Sages and seers have cautioned that the path towards enlightenment is full of illusionary traps. Have warned. Number C. Cautioned. Warned. Number C. The officer reported the details of the mission in a monotonous manner. Very dull. Monotonous. Dull. Correct option is A, 22. There are many elusive questions in the philosophy. Elusive, not clear, very difficult to understand. Yani, baffling questions in philosophy. Number B, 23 ka B. Cleaning this mess is a mammoth task, is a huge task. 24 ka A. The police department's image was tarnished after the high-profile murder case was tainted. तो पुलिस की इमेज छवि में गिरावट आए, यानी उनके दाग लग गया.
इस दाग लगने का सेंस बेस्ट दे सकता है टेंटेड टर्निश्ड बी 25 का 26 का यहां पे मैं आई वुड लाइक टू गो विद दिस कि मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर सो वी टेंड टू बिलीव दैट इट इज डिपेंडेंट यहां पे एक या वाई आई वुड नॉट गो विद दिस तो इसका होंगे डिपेंडेंट ऑफ नेचुरल बायोटा दिस इज नॉट ट्रू इन नेचर Some plants and animals are continuously subjected, number D, to the rigors of natural selection. Only the fittest survive. Consequently, A, wild population have numerous traits for competitiveness, resistance to parasites, adaptable to adverse conditions and other aspects of vigor. In contrast, populations grown for many generations under the pampered conditions of agriculture tend to lose these traits because they are selected for production, not resilience. For example, a high producing plant that lacks resistance to drought is irrigated and the resistance to drought is ignored. Also, in the process of breeding plants for maximum production, all genetic variation is eliminated. तो ये है 35 का B. तो ये आपकी क्लोज टेस्ट का कंप्लीट आंसर. अब आते हैं 36 में ऑपोजिट इन मीनिंग. इसका मतलब होता है ऑल ह्यूमंस आर बीइंग फैलिएबल. फैलिएबल का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं कि नॉट अप टू द मार्क, सही नहीं है, कहीं ना कहीं गलती होता ही रहता है, बीइंग रॉन्ग इन एनी सेंस, तो वो फैलिएबल होता है. उसका ऑपोजिट होता है परफेक्ट, नंबर डी. हिज वर्ड्स वर वेग, यानी नॉट क्लियर, अस्पष्ट है, साफ नहीं है, यानी उसके कहीं भी शब्दों में कोई मतलब समझ नहीं आ रहा, वेग है, क्लियर नहीं है, तो वो एकदम प्रिसाइज है, टू द पॉइंट, तो वो होंगे उसका ऑपोजिट वेग का, नंबर सी 37 का. 38, she performed all her duties conscientiously. Conscientiously का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, तो ध्यानपूर्वक का ऑपोजिट हो गया carelessly. 38 का भी. 39, these risks are incidental to the work of a firefighter. तो incidental means of the very minor, मतलब मामूली. तो इसका मेजर बनाना है, अहम बनाना है, तो बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज एसेंशियल. तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 39 इज ए. शी हैज ऑलवेज बिन डिसडेनफुल ऑफ पुअर पीपल. डिसडेनफुल का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना गरीबों के साथ. दुर्व्यवहार का ऑपोजिट हो गया रेस्पेक्टफुल. अपमानजनक हो जाएगा डिसडेनफुल, तो रेस्पेक्टफुल हो जाएंगे रेवरेंशियल. 40 का ए. 41 PQRS है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज द राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE मैंडेट्स गुड क्वालिटी एलिमेंटरी एजुकेशन कॉन्फॉर्मिंग टू द स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स स्पेसिफाइड इन द एक्ट एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन. करेक्ट ऑप्शन होंगे RPSQ. करेक्ट आंसर इज बी 41 का. 42, म्यूजिक नॉट ओनली रिलीव्स द बर्डन ऑन चिल्ड्रन एंड द यंग
but also alleviates the conflicts and disputes in their mind. The correct option honge QRSP number A, 42 ka A. 43. Antarctica is a continent nearly twice as large as Australia, but it is virtually covered by a dome-shaped ice sheet nearly 2 miles thick. The correct answer honge Q, R, P and S. Correct answer is A. 44. The G20 was formed in 1999 as a forum of finance ministers and central bank governors in recognition of the fact that there was a major shift in the global economic weight from the advanced economies. The correct answer honge S, R, Q, P. Number D. 44 ka D. 45. India is the third largest fish producing and the second largest aquaculture nation in the world, and India's products are exported to many nations. So, is hisab se correct option ho gaya S, R, P, Q, yani answer 45 ka A. 46, yahan aapko parts of speech ko identify karna hai. Adders, yani snakes, are the only poisonous snakes found across Britain. So you are talking about noun. So adders again noun. She spoke to him once since he has been in town. So since he has been in town, to iska matlab correct option is C. Yahan pe ye conjunction hai. I don't really want to go, besides it's too late now. Your time adverb hai. B. 48. Look at that man, to that ka ban gaya determiner. Number C. And 50 ka ho gaya takeoff. The plane is ready for what? Takeoff. Noun. Answer is A. 50 ka A. So that's all for today. Thank you and have a nice day. Best of luck. Jai Hind to everyone. You are most welcome at the CLC family. आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है. चलिए आइए क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं प्यारे बच्चों. अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहां पर देखें, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था. जैसा कि आप देखेंगे मनी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन था. मनी बिल को आप सबको पता है कि 14 डेज का टाइम मिलता है और 14 डेज के लिए ही राज्यसभा अपने पास रख पाती है. रेस्ट ऑफ अगर मैं बात करता हूं तो इसमें मनी बिल के संबंध में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होता है. ठीक है, लोकसभा के पावर जो है सुप्रीम होती है मनी बिल के रिस्पेक्ट में. ठीक है, चल अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं. तो इसका सी हो जाएगा. अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं. तो जैसा कि आपको पता है आर्टिकल 19(1) ये क्या कहता है, ये राइट टू, अगर मैं बात करता हूं फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सब चीजों की बात करता है. जैसे ही इमरजेंसी प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे. तो यहां पर आप क्या कह सकते हो कि जो भी स्टेटमेंट यहां पर है उसमें क्या हो जाएगा, बोथ वन एंड टू विल बी द राइट. अगले क्वेश्चन की ओर मैं बात करता हूं. तो देखो पंचशील में पांच सिद्धांतों की बात की गई, उसमें कहीं भी प्रमोशन ऑफ कल्चर की बात नहीं की जाती है और ना ही ऐसी इसमें कोई बात हुई थी. तो कल्चरल कोऑपरेशन होगा. आगे की ओर अगर बात करता हूं तो बरुआ, कनकलता बरुआ 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड थी 1942 में. अब अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कोरियालिस बल की अगर मैं बात करता हूं, तो इफेक्ट की बात करता हूं, तो यह सबसे ज्यादा जो होगा वह नॉर्थ पोल पर होगा. किस पे होगा, नॉर्थ पोल पे होगा. आगे की ओर बिहार और मणिपुर में क्या होगा, सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर पड़ेंगी. तो वन एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर. आगे की ओर मूव ऑन करते हैं. यहां पे पूर्व की ओर बहने वाली नदियां होंगी पलार और पिन्नार. तो यहां पे आप देख पाओगे बी. अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं. अगले क्वेश्चन की ओर अगर मूव ऑन करता हूं तो यहां पे देखो दिए गए निचकूटों का उत्तर चुनिए और इसमें क्या कह रहा है कि सहायक नदी और किसकी सहायक नदियां हैं रिवर. तो यहां पे बी विल बी द राइट आंसर. यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो
यहाँ पे 2 और 3 काबिनी और माद्रा, अगले की ओर टॉस होगा, इसका कोई इश्यू ही नहीं है इसमें। हाँ, लेक मानसरोवर और यू टर्न लेती है ये, बिल्कुल सही है, बोथ आर द ट्रू। चल अगले की ओर मूव ऑन करता हूं, तो इसका सिर्फ आंसर होगा एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना। ठीक है, फिट इंडिया का डोज आधा घंटा रोज, ये किरण रिजिजू साहब ने अभी अनाउंसमेंट की थी और आपको पता होगा ये फिट इंडिया प्रोग्राम से रिलेटेड है। आगे की ओर अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर इंटरचेंज कर दिया गया, ये बात इसमें है और ये बात इसमें गई है, मात्र एक स्टेटमेंट सही है इसमें, गरबा गुजरात का नृत्य है। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं, आसियान, ये इंडोनेशिया के जकार्ता में हुई थी, आपको दोस्तों पता होगा, और इसमें सिर्फ ये स्टेटमेंट दोनों सही है, तो मात्र 2 स्टेटमेंट सही है। इट्स अ सेंट्रलिस्ट वर्ड, बिल्कुल बोथ विल बी द राइट आंसर 1 और 2। आगे की ओर क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं, तो ये बिल्कुल सही है, लेटेस्ट मेंबर इसका स्वीडन है दोस्त, लेटेस्ट मेंबर इसका स्वीडन है। आगे की ओर अगर मैं बात करूं, जनवरी में एक द्विपक्षीय म्यांमार की बात करता हूं, आगे की बात करता हूं, तो वर्णा फ्रांस के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, तो मैरीटाइम ग्लोबल, ये जो है ये बिल्कुल सही है, और ये रेस्ट ऑफ इसके साथ नहीं सही है, तो बी विल बी द राइट आंसर, ये यहां पे क्वार्ट्ज इज वाटर सोल्युबल। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, तो थॉइंग, हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री फॉर एनडीए पार्ट 2। देयर इज क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई द फर्स्ट सेल ऑफ एन एटम। बोला एक एटम की फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। देखो, किसी भी शेल के अंदर जो एटम ऑक्यूपाई, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने का जो फॉर्मूला है, वी नो दैट इट इज 2n2, और फर्स्ट सेल बोला है अपन से, तो n की वैल्यू 1 रखी, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हम सॉल्व करने पर आंसर बनेगा 2n2 m इन 2 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे 2। क्वेश्चन नंबर 74, एट विच टेम्परेचर डज लिक्विड वाटर शो मैक्सिमम डेंसिटी। वी नो दैट अबाउट इट, दैट मैक्सिमम डेंसिटी शोन बाई वाटर एट 4 degrees Celsius, एंड 4 degrees Celsius इफ चेंज इन टू केल्विन टेम्परेचर, देन इट्स इक्वल टू 277 केल्विन, दैट इज गिवन इन आंसर ऑप्शन नंबर बी। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बैलेंसी ऑफ 3, कौन सा एलिमेंट है इसकी बैलेंसी 3 है। अब देखो, कार्बन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो उसकी बैलेंसी भी होगी 4, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लॉस भी कर सकता है। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी बैलेंसी बनेगी माइनस में 2, या मैं कह सकता हूँ 2। सोडियम के आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा तो उसकी बैलेंसी बनेगी 1, लेकिन नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब वो जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उतनी उसकी बैलेंसी रहेगी, तो इसका आंसर बनेगा नाइट्रोजन। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब देखो, वाटर को फ्रीज कर रहे हैं, वाटर यानी कि फ्रीज, फ्रीज करने का मतलब हो गया H2O लिक्विड को कन्वर्ट करना है अपन को H2O सॉलिड में, तो देर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो इट इज नॉट एन एग्जाम्पल, नॉट कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Dissolving sugar in water, there is no change in oxidation number of sugar also. Rusting of iron, yes, rusting of iron mean Fe, जब environment की moisture और oxygen के contact में आएगा तो बनेगा Fe2O3.XH2O, and here the oxidation number of iron before reaction is 0, but after the reaction iron get +3 oxidation state. We can say about it, there is a increment in positive oxidation number, so it is considered as an oxidation reaction. So rusting of iron is an example of oxidation reaction. Next, which one among the following fertilizer is a source of nitrogen? देखिए, phosphate में phosphorus है, potassium sulphate, K2SO4, potassium sulphur oxygen, bone meal, अस्थि चूर्ण जिसके अंदर आपके बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, तो इसमें भी कैल्शियम फॉस्फोरस ऑक्सीजन रहेंगे, लेकिन यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, और जब NH2CONH2 है इसमें नाइट्रोजन अवेलेबल है, नाइट्रोजन अवेलेबल है तो यही इसमें नाइट्रोजन का सोर्स होगा, ऑप्शन नंबर डी। फॉर एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखो, एल्यूमिनियम के बारे में पहले बेसिक सी बात देखते हैं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर दे रखा है 13, एटॉमिक मास दे रखा है 27, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। न्यूट्रॉन्स का नंबर है 14, न्यूट्रॉन्स निकालते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर से, 27 माइनस 13,
तो 27 माइनस 13 बनेगा 14. देर इज 14 न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम. इट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. पर द बैलेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज 2. चेक करते हैं. एल्यूमिनियम एटोमिक नंबर 13 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज नियॉन 3s2 3p1. मेन आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो है 3. अब 3 इलेक्ट्रॉन यदि इसके आउटर मोस्ट में प्रेजेंट हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, तो उसकी बैलेंसी जो बनेगी वो बनेगी 3. उन्होंने रखा है बैलेंसी है 2, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया. और यही इसमें पूछा है कि सही कौन सा नहीं है. आंसर इज डी. एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ एन डायमंड इज पूछ रहा है डायमंड में क्या मिलेगा. सीधी बात है बेटा, डायमंड इज ए एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, तो डायमंड में मिलेगा ओनली प्योर कार्बन, कोई हाइड्रोजन नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, ओनली प्योर कार्बन से बना होता है डायमंड. नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है. अब देखो सब्लिमेशन बोला है. सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस. सॉलिड गैस दैट इज फिजिकल चेंज. मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑल्सो फिजिकल चेंज. हीटिंग ऑफ एन आयरन रोड, हीट कर रहे हो आयरन रोड पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वापस से कूल होकर नहीं एज इट इज़ रहेगी. देर इज ऑल्सो फिजिकल चेंज. बट मिक्सिंग ऑफ NaOH एंड HCl, इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. Acid and base, and the product form after the reaction with NaOH and HCl is NaCl and H2O. That is possible after a chemical reaction. So it is an example of chemical reaction. Answer is D. Hello students, welcome to the solution of physics NDS paper. And here is the question number first. That is, which one among the following is the correct focal length of a combination of lenses of power 2.5D and 2.0D. Minus का 2.0D है, इसका मतलब power जो total है वो कितना हो जाएगा, P1 plus P2, and that will be 0.5 diopter. And the combination focal length will be F is equal to 1 by P, 1 is in meter, then power will be 0.4D, D जो ये आ रहा है कितना आ रहा है 0.5. It means here will be 2 meter. Next question is, the AC mains domestic supply current in India changes direction in every कितने टाइम में चेंज करती है. तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज. इट मीन्स साइकिल नंबर ऑफ साइकिल्स जो वो हो जाएंगे कितने 50 साइकिल्स इन 1 सेकेंड. इट मीन्स एक सेकंड में इतना हो जाएगा. तो कितने समय में पूछा है, तो एक साइकिल में वो 2 बार करती है. इसका मतलब वो 100 बार डायरेक्शन बदलेगी 1 सेकंड में. इसका मतलब एक बार डायरेक्शन चेंज करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, 1 बाई 100 सेकंड. नेक्स्ट वन विल बी, ए ब्लॉक ऑफ मास 2.0 kg slides on a rough horizontal plane surface. Let the speed of the block is at a particular state is 10 meter per second. If it comes to rest after traveling a distance of 20 meter, which one of the following could be the magnitude of the frictional force. Here the kinetic energy is equal to 1/2 mv² and that is force into displacement, retardation force aa jayega. Kinetic energy 1/2 mass kitna de rakha hai 2, velocity is 10 ka square aa jayega, force hame find karna hai, displacement bataya 20. It means force will be F is equal to 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 100/20, दैट इज एफ. फ्रिक्शन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 न्यूटन. हेयर इज 5 न्यूटन इज नॉट अवेलेबल, तो मे बी दिस क्वेश्चन विल बी बोनस. नेक्स्ट वन इज, गिवन बिलो आर द 4 केसेस इन विच सर्टेन हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस. हीट ट्रांसफर जो है वो कब होता है उसके लिए बात कर रहा है. तो उस केस में क्या क्या हो रहा है चेक करना है कि ये हीट है या हीट ट्रांसफर हो रहा है या नहीं. और उसके बाद ये कह रहा है कि निम्न में से किस स्थिति में, इन विच ऑफ द अबोव केसेस द न्यूटन्स कूलिंग लॉ इज एप्लीकेबल. न्यूटन्स कूलिंग लॉ होता है लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर. दैट विल बी, हियर इज आइस इज मेल्टिंग इन ए ग्लास फुल ऑफ वाटर. तो आइस इस कंडीशन में क्या कर रही है, वहां आपका जो हीट है वो अपने किसको दे रही है, वाटर को दे रही है. बिल्कुल ठीक हो सकता है.
वॉटर इज बॉइलिंग इन एन ओपन कंटेनर. ओपन कंटेनर में वॉटर जब बॉइल हो रहा है तो उस केस में उसको हीट मिल भी रही है और वो लॉस नहीं कर पाएगा, हीट बढ़ती रहेगी वापस, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ए मेटल रॉड इज हीटेड इन ए फर्नेस. ये कन्वेक्शन से होना चाहिए, ये कंडक्शन से नहीं होना चाहिए. कन्वेक्शन से जो हीट लॉस है उसकी हम बात करते हैं यहाँ. तो ये हीट जो है ये भी यहाँ पर फर्नेस में भी कंटिन्यूस हीट उसको मिलती रहेगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. हाई टेम्परेचर इसमें होता है तो हाई टेम्परेचर में नहीं, जो चेंज इन टेम्परेचर है, जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है वो भी कम होना चाहिए. तो ये दोनों ही हाई टेम्परेचर के केसेज हो गए, तो ये दोनों नहीं हो पाएंगे. ए कप ऑफ कॉफी इज अलाउड टू कूल ऑन ए टेबल. ये बिल्कुल सही ऑप्शन है. इसका मतलब कौन सा होना चाहिए, 1 and 4. दिस विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज द फिगर गिवन बिलो शोज द डायरेक्शन ऑफ द टू फोर्सेज पी एंड क्यू. एक स्काई डाइवर नीचे जा रहा है, उस केस में इसने बताया कि पी एक फोर्स है. पी का मतलब इसने कौन सा बताया है, पी इज इक्वल टू एम जी है यहाँ. और जो यहाँ दूसरा जो फोर्स लग सकते हैं ऊपर, दैट इज वन इज फ्रिक्शन एंड वन इज बायोंट फोर्स. तो इस केस में हम बात करते हैं कौन सा इसमें सही है. यहां देखो, फोर्स पी इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटी एंड फोर्स क्यू इज कॉज्ड बाय फ्रिक्शन. क्या केवल क्यू फ्रिक्शन से ही लग रहा है? नहीं, बायोंट फोर्स भी यहां हो सकता है. इसका मतलब ये प्योरली सही नहीं है. व्हेन द फोर्स पी इज बिगर देन द फोर्स क्यू, पी ज्यादा बड़ा है, देन स्पीड ऑफ स्काई डाइवर रिमेन सेम. नहीं, जब नेट फोर्स लग रहा है इसका मतलब उसका एक्सीलरेशन होगा और एक्सीलरेशन तो स्पीड बढ़ेगी. इसका मतलब ये भी सही नहीं है, सेम नहीं रह सकता. आफ्टर द पैरासूट ओपन्स फोर्स पी रिमेन सेम वाइल फोर्स क्यू इंक्रीजेस. बिल्कुल सही है, क्योंकि इन दोनों का एडिशन जो बता रहा है वो आपको क्यू बता रहा है. इसका मतलब यहां जब आप पैरासूट खोल लेंगे तो एम जी जो है वो तो क्या रहेगा, नीचे की ओर सेम रहेगा, लेकिन बायोंट फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन समझ लो बढ़ जाएगा. इसका मतलब आपका जो आंसर है वो ये वाला हो जाएगा. आफ्टर द पैरासूट ओपन्स फोर्स पी डिक्रीज, पी तो डिक्रीज होगा ही नहीं, एम जी जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. नेट फोर्स में प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी ये ऑप्शन आ जाएगा सी. तो ये प्रक्रिया. अब यहां पे बात कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख देवता के बारे में, तो वो विरूपाक्ष जी थे. डोमिनिको पायस किसके समय में आए थे कृष्ण? तो डोमिनिको पायस और बारबोसा दोनों कृष्ण देवराय के समय में आए थे बेटा. भारतीय संविधान टेंथ शेड्यूल में सेट किया गया था. किसमें? टेंथ शेड्यूल में. अब नेक्स्ट की बात करता हूं, तो ये बोथ विल बी द राइट आंसर, बोथ 1 and 2. पब्लिक अकाउंट कमेटी सही है. एस्टिमेट कमेटी में जो है सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होंगे, लोकसभा के मेंबर्स होंगे, राज्यसभा के नहीं होंगे. यही पूछ रहा है, उच्च सदन के सदस्य नहीं होते. तो उच्च सदन किसे बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं. तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 होगा. सी विल बी द राइट आंसर, नॉट डी, सी होगा बेटा. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केचेस डिस्क्राइब ए लीवर ऑफ सेकंड क्लास. सेकंड क्लास लीवर में लोड जो है वो मीडियम में होता है, मिड में होता है, दैट इज दिस वन. नेक्स्ट वन इज फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज वी एंड आई इज. वी और आई का जो कॉम्बिनेशन है वो बता रहा है. आई हम इसको कह रहे हैं यानी टोटल करंट हमें बतानी है. वी जो पैरेलल में है वो सेम रहता है, तो वी कितना हो जाएगा यहां पर? वी इज इक्वल टू होता है आई आर. आई आर मतलब ये हो गया 300 वोल्ट. तो तीनों के लिए कितना है? 300 वोल्ट है. तो आपके लिए जो इस पे वोल्टेज होगा वो और इस पे वोल्ट होगा, यानी 300 वाला केस ही सही हो पाएगा. तो 300 के दो केस आपको मिल रहे हैं. इसका मतलब वो करंट हमें निकालनी पड़ेगी. तो इसमें करंट 3 एम्पियर है, इसमें V सेम है, तो I2 जैसे हम निकालें तो वो आ जाएगी V अपॉन R2, और I3 निकालेंगे तो आ जाएगा V अपॉन R3. तो ये आ जाएगा V है 300 अपॉन R2 आ जाएगा कितना? 200. इट मीन्स दैट विल बी 1.5 एम्पियर एंड अदर विल बी 300 अपॉन 300 ओम. ये आ जाएगा 1 एम्पियर. इसका मतलब यहाँ 3 एम्पियर है, यहाँ आ जाएगा 1.5, यहाँ आ जाएगा 1. ऐड करेंगे सभी को, टोटल करंट कितनी हो जाएगी? 5.5 एम्पियर. दिस ऑप्शन विल बी राइट. आगे की ओर चलता हूं, तो यहां पे क्या होगा? गांधार होगा. अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं, तो यहां पे बी कर लीजिएगा, चक्रवर्ती राजगोपाला चारी. ठीक है, क्लियर. चलिए आगे की ओर मूव ऑन करता हूं, तो इसका बोथ होगा, बोथ 1 and 2. आगे नेक्स्ट मूव ऑन करता हूं, तो डी होगा, 1, 2 and 4. तो यहां पे चारों सही है सारे. इसके प्लानिंग कमीशन की, पहले प्लानिंग कमीशन की शुरुआत 1951 से 1956 थी, उससे पहले ही सारे प्लान आ चुके थे ना. तो अगर मैं बात करता हूं तो ये कृषि योग्य भूमि होगी. क्लाइमेट मार्च अप्रैल, ये इसके साथ सही होगा, क्योंकि निगोबार में मार्च अप्रैल में अधिकतम वर्षा होती है. ये स्टेटमेंट सही नहीं है. हरमट्टन विल बी द राइट आंसर, और यहां पे होगा कैस्पियन सागर. अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं, तो इन्फ्लुएंस जलवायु को प्रभावित करता है. ये बिल्कुल सही है.
अधिकांश यहां पे होगा बी विल बी द एरिड लैंडफॉर्म्स ना। नमस्कार, मैं मनोज कुमार, टीम बायोलॉजी सीएलसी सीकर से। आज हम करने जा रहे हैं जो एनडीए सेप्टेम्बर अटेम्प्ट हुआ है उसके अंदर जो बायोलॉजी की जो क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन अपन करने जा रहे हैं। जो पेपर का लेवल था, यदि उसके अंदर बायोलॉजी की पेपर की बात करें, अपन बायोलॉजी की क्वेश्चंस की बात करें, तो लगभग इसके अंदर 10 क्वेश्चन है आज आए थे उनसे, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 9th-10th का लेवल रहा है। चलो बायोलॉजी की क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। चलो इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी इन ह्यूमंस। मनुष्य में विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे इसके अंदर पूछा गया है, यहाँ पे इसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाला डिजीज। ऑप्शन इसके अंदर फर्स्ट है बेरीबेरी, फिर है स्कर्वी, फिर है रिकेट्स एंड है न्यूमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से पूछा है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने वाला डिजीज कौन सा है? रिकेट्स। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट। ये बैलेंस डाइट से आया है क्वेश्चन, संतुलित भोजन के घटकों में सर्वाधिक उपयुक्त में से निरूपित करता है, यानी बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है, बैलेंस डाइट आप किसको कहोगे? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा, विटामिन होंगे, प्रोटीन्स होंगे, फैट होंगे, मिनरल्स होंगे, फाइबर्स होंगे एंड वाटर होंगे। करेक्ट है, यही ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। जो बैलेंस डाइट किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो, फैट हो, मिनरल्स हो, फाइबर्स एंड वाटर प्रेजेंट जिसके अंदर होगा, उसी को अपन क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कार्टिलेज इज नॉट फाउंड। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ह्यूमन की बॉडी है उसके अंदर कार्टिलेज जो प्रेजेंट होती है वो कार्टिलेज कौन से पार्ट में अब्सेंट होती है? तो इसमें नोज है, नोज के अंदर इसमें प्रेजेंट होती है। ट्रेकी जो है, श्वास नली, श्वास नली के अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्रोंकियोल है और नी जॉइंट है, जॉइंट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ब्रोंकियोल्स जो है, जो आपको पता है कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के अंदर अब्सेंट होती है ट्रेकी, जो कार्टिलेज है वो ब्रोंकियोल्स के अंदर अब्सेंट होगी, तो इसके अंदर ब्रोंकियोल्स करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ द ह्यूमन किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फॉर एक्सक्रीशन। यहाँ पे जो पूछा है कि जो ह्यूमन की किडनी है उसके अंदर नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट ब्लड है उसको क्या करता है? फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। उसके अंदर दे रखा है इसमें पार्ट में कलेक्टिंग डक्ट, तो इसमें तो रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीनल वेंस, यूरेटर एंड बोमेन कैप्सूल। तो यहाँ पे जो ब्लड फिल्टर होता है वो कौन से पार्ट में होता है? बोमेन कैप्सूल में होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर कॉल्ड स्पंज। स्पंज कौन से फाइलम के एनिमल्स को कहा जाता है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है सिलेंट्रेटा, सेकेंड है प्लेटीहेलमेंथिस, थर्ड है पोरीफेरा एंड इकाइनोडर्मेटा। तो स्पंज किनको कहेंगे? पोरीफेरा को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट पी पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पे ये बोल रहा है कि अगर आपने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है कहाँ बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। इसका मतलब हम देखेंगे यहाँ से जाएगा सीधा वापस अपने पाथ पे लौटेगा, यहाँ से फोकस होकर के यहाँ सीधा चला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस लौटेगा। इसका मतलब दोनों वापस कहाँ मिल रही हैं? सी पर ही है। इसका मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस वजह से जो सी का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो सी पर ही उसकी इमेज बनती है, दैट विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट वन विल बी, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। मायोपिया दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस में शॉर्ट जो है वो सही देख पाएगा, तो कौन सा व्यक्ति जो है शॉर्ट साइटेडनेस है? इसका मतलब शॉर्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पास से वो क्लियरली देख पाएगा, इट मीन्स दैट विल बी फर्स्ट वन। मायोपिया में दूर की चीजें नहीं दिखती हैं और पास की साफ दिखेंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइसोसोम इज नॉट करेक्ट। लाइसोसोम जो एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है,
करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है दे आर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ये सही है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ये वेस्ट डिस्पोजल सेल डिस्पोजल सिस्टम का फंक्शन करते हैं, क्लीनिंग करते हैं सेल की। द ब्रेकडाउन ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल उनका ब्रेकडाउन भी करते हैं। दीज आर ऑल्सो रेफर टू एज सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग भी इनको बोलते हैं। लाइसोसोम स्टॉप एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल्स, फॉरेन मटेरियल की जो एंट्री है उसको स्टॉप करता है, तो ये इसके अंदर इसका फंक्शन नहीं है। तो यहां पर नॉट करेक्ट पूछा है, तो इसके अंदर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये लाइसोसोम का नहीं है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, यहां पर क्या पूछा है, कौन से दो कोशिकांगों का अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी जिसके अंदर खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, ऑन जेनेटिक मटेरियल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लास्टिड, प्लास्टिड में होता है लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड दोनों में ही अपना क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। इन दोनों को ही सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है। लाइसोसोम एंड गोल्जी अपरेटस इसमें नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग टिश्यूज हेल्प टू कनेक्ट टू बोन, टू कनेक्ट टू बोन, कौन से ऊतक दो अस्थियों को जोड़ने में, तो दो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, यानी यहां पर जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि जो बोन है इस बोन को जो बोन से कनेक्ट करते हैं, ऐसे टिश्यू को क्या बोलेंगे, टेंडन, टेंडन है वो बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं। लिगामेंट, सही है, लिगामेंट बोन को बोन से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लिगामेंट। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल, सेल में जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, एडीपी, एटीपी, एएमपी, एनएडी, तो इसके अंदर एटीपी आ जाएगा, जिसको आपको पता ही है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इसको बोला जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक प्लेस थ्रू आई बर्ड्स, किसमें आई बर्ड्स के माध्यम से कई प्रवर्धन होता है, पटेटिव, जिंजर, एनियन, सुगर केन, तो यहाँ पे इसके अंदर दिया हुआ है पटेटो, पोटेटो के अंदर आई बर्ड्स है वो प्रेजेंट होती है जिनके थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो ये थे इसके अंदर जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन है आपके सही होंगे और आपको जो रिजल्ट है उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू, जय सी एल सी। नेक्स्ट, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड, ये कह रहा है कि पार्टिकल की मिक्सिंग करानी है, दो डिफरेंट टाइप के मैटर है आपस में, खुद ही आपस में जो मिक्सिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं। सिमिलरली डेफिनेशन है डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन बोले तो विषण, ऑप्शन नंबर सी। विच वन अमंग द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर ब्लड टेस्ट इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, ये कह रहे हैं डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में ब्लड के सैंपलों में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट उनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, तो वहां पे जो टेक्निक यूज आती है बेटा उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रीकरण, याद रखिएगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज पॉलीएटॉमिक, अब पॉलीएटॉमिक पूछा है, देखो कन्फ्यूजन आता है थोड़ा सा, फास्फोरस को लिखते हैं P4, सल्फर को लिखते हैं SH, क्लोरीन को लिखेंगे हम Cl2, एल्यूमिनियम को लिखते हैं केवल Al से, तो जिनमें सिंगल एटम प्रेजेंट है वो तो मोनोएटॉमिक हो गए, टू एटम प्रेजेंट है उसको बोलेंगे डाईएटॉमिक, फोर एटम प्रेजेंट है उसे बोलेंगे टेट्राएटॉमिक, फोर से ज़्यादा हो गया तो उसे बोलेंगे अपन पॉलीएटॉमिक, दैट इज द ऑप्शन इज सल्फर, आंसर इज बी। Which of the following anion has a valency of -3? कौन से anion की valency -3 है? तो इसमें देखो सिंपल सा ही है, नाइट्राइड क्या होता है N-3, नाइट्रेट किसे बोलेंगे NO3-, सल्फाइड क्या होता है सल्फाइड S-2 को बोलते हैं, और सल्फेट होता है बेटा SO4-2, इसकी वैलेंसी -1, इसकी -2, इसकी -2, लेकिन इसकी कितनी है -3, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नाइट्राइड -3। नेक्स्ट है द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, अब इसमें मोल दे रखा है, मास पूछा है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मास पूछा है, मोल कितना गिवन है 0.5, वेट आइडेंटिफाई करना है, और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है 28, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 × 5 किया तो कितना बनेगा ये 14 ग्राम, 14 ग्राम बी ऑप्शन।
केमिकल रिएक्शन दे रखी है, 2AgCl, 2Ag plus Cl2 takes place. देखो अच्छी रिएक्शन, सिंपल से रिएक्शन है कि ये जो ब्रेकडाउन होता है सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर के अंदर, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, या मैं कहूँगी ये कौन कहाँ पे कैसे कंप्लीट होती है, क्या डार्क में होगी या फिर हॉट करने पर होगी या सनलाइट में होगी या फिर अंडर हाई प्रेशर होगी. देखो वैसे तो ये एग्जाम्पल है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का, एंड द फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन मीन ए केमिकल रिएक्शन दैट कंप्लीट बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट. तो सनलाइट उसमें कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन के अंदर. तो जो सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है उनको अपन बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटी स्किनिंग एजेंट. बेटा एंटी स्किनिंग एक नया क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, पेंट्स में एंटी स्किनिंग एजेंट के फॉर्म में किसे यूज करते हैं. देखो एंटी स्किनिंग कंपाउंड वे होते हैं, जैसे कि पेंट को अपन ने वॉल पे अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद में वो ड्राई होगा, उस पर कुछ पपड़ी सी बनेगी, तो उस पपड़ी को रोकने के लिए जो कंपाउंड उसमें मिलाया जाता है, ठीक है ना, उस कंपाउंड को बोलते हैं एंटी स्किनिंग एजेंट. उसके लिए जनरली हम कीटोन वाले कंपाउंड यूज़ करते हैं. तो कीटोन वाले जो कंपाउंड है, देखो जिलेटिन कीटोन नहीं है, पिरिडिन नहीं होगा, एंड मिथाइल प्रोपिडियोन ऑन आ रहा है, ऑन मतलब कीटोन, और फिनॉल नहीं, ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन बनेगा बी, याद रखिएगा. नेक्स्ट, ये अपना सिंपल केमिस्ट्री का पेपर का सॉल्यूशन था. पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा इजी रहा है इस बार में, और उम्मीद है आपके लगभग सभी क्वेश्चन सही हुए होंगे. एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू. टू रेजिस्टेंसेज ऑफ 5 एंड 7 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड अदर 36 इज इन पैरेलल, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हैव बीन आस्क्ड. हियर इज देयर आर 2 एंड 3, देयर आर इट इज 5, 7 एंड 36. 5 एंड 7 सीरीज में हो गया, कितना हो गया 12, और 36 और 12 पैरेलल में. आर इक्विवेलेंट विल बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट विल बी R1 जो है अपना हो जाएगा कितना, 12 इंटू 36 अपॉन 12 प्लस 36, दैट इज 12 इंटू 36 अपॉन 48, दैट इज 4, एंड ये आ जाएगा 9 ओम. 9 ओम इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज, shown in the figure are two hollow cubes C1 and C2. ये hollow cubes हैं of negligible mass, इनका mass ज़्यादा नहीं है, filled with liquid of densities rho1 and rho2 respectively, floating in water. Water की density दी है rho w. The relationship between, यहाँ देखें हम कि ये जो liquid है पूरी तरह से डूबा हुआ नहीं है, ये वाला पूरा डूबा हुआ नहीं, इसका मतलब अगर वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती, ज्यादा है और इसकी कम है, इसीलिए ऊपर निकला हुआ है. तो इस केस में जो वाटर है, जो रो वन है, वो लेस देन है किससे, रो डब्ल्यू से. और यहां जो देखो, देखो नीचे जो चला गया है, इसका मतलब इसका जो डेंसिटी है रो टू, वो बड़ी है किससे, वाटर से. इसका मतलब रो वन और रो टू सबसे बड़ा हो जाएगा, वाटर मिड में आ जाएगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा, रो वन का. तो ये केस जो है हमारा कहाँ है, फोर्थ में है. नेक्स्ट वन इज, एन एस्ट्रोनॉट हुज वेट ऑन द अर्थ इज 600 न्यूटन एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ. इट मीन्स वेटलेसनेस का मतलब है वो सरफेस पे टिक नहीं पाएगा. इसका मतलब नेट जो फोर्स है mg- जो उसका टोटल वेट होना चाहिए वो जीरो हो जाता है. तो यहां केस है एक्सीलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट इज जीरो, ये हम नहीं कह सकते उसके साथ एक्सीलरेट करता है. नेट एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है, पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जीरो नहीं है. नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द स्पेस स्टेशन फ्लोर ऑन द एस्ट्रोनॉट इज जीरो, बिल्कुल ये सही है कि यहां जब एस्ट्रोनॉट नीचे सरफेस पे टिकेगा तो उसका mg नेट नहीं होगा, और इस वजह से इस पर नॉर्मल रिएक्शन है वो भी नहीं लग पाएगा, तो दैट विल बी जीरो. नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज. कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या हैं? इट मीन्स इट अपीयर्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज कॉन्टैक्ट, बिल्कुल सही है. जैसे हम ऑब्जेक्ट को नॉर्मल रिएक्शन में ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे रखते हैं, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है. एक दूसरे चीजों को धकेलते हैं, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है. तो ये कह रहा है कि बिल्कुल एक दूसरे के संपर्क में होने चाहिए. एक इट सेटिस्फाइज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, बिल्कुल सही है. एंड इट मे अपीयर बिटवीन ए पेयर ऑफ सॉलिड एंड फ्लूड, बिल्कुल सॉलिड एंड फ्लूड में भी ये हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स लग सकता है. दैट इज ऑप्शन 1, 2, 3.
नेक्स्ट वन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द रे डायग्राम. निम्नलिखित में से कौन सी आकृति किरण आरेख को सही प्रदर्शित करती है. देखो यहां से अगर फोकस से कोई होके आते हैं तो वो पैरेलल हो जानी चाहिए, तो पैरेलल नहीं हुई, गलत हो गया. यहां 2F है तो C से आने वाली तो क्या होनी चाहिए, पैरेलल नहीं होनी चाहिए. ये पैरेलल तो F से होनी चाहिए थी, ये भी गलत हो गया. यहां 2F वाला है तो 2F से जो आ रही है, 2F से ये तो सीधी चली गई, 2F से जो आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो ठीक है, लेकिन 2F वाली फिर से पैरेलल हो रही है, ये पैरेलल नहीं होंगी. यहां देखो, यहां एक रे आई पैरेलल जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी चली गई, ये फोकस से होके आ रही है. देखो फोकस से होके आई है वो पैरेलल हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये वाला अपना सबसे सही हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128. लाइटनिंग इज ड्यू टू, यहाँ एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी दे रखी है कि मतलब ये कौन सी लाइटनिंग की बात कर रहा है. लाइटनिंग बिटवीन टू क्लाउड्स भी हो सकता है, क्लाउड क्लाउड के बीच में भी हो सकता है, और अर्थ और क्लाउड के बीच में भी हो सकता है. तो हम यहाँ अर्थ और क्लाउड की ही कंसिडर कर पाएंगे क्योंकि इनमें से एक कहीं सही मानना है. तो रियल में ये जो कंडीशन है ये सारी होती है ऐसा कि जो डिफरेंट पार्ट है क्लाउड का उसमें चार्ज फ्लो होते हैं, नीचे वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव बन जाता है, ऊपर वाला पॉजिटिव बन जाता है, ये भी सही है. द शॉर्ट सर्किट ऑफ द चार्जेस बिटवीन द अपर, एक ही क्लाउड की बात कर रहा है तो एक दूसरे शॉर्ट सर्किट नहीं होते हैं, वो दूसरा क्लाउड आसपास आ जाता है तो ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल के कारण हो जाता है. अंदर भी इंट्रा क्लाउड भी होता है और इंटर क्लाउड भी होता है, लेकिन यहां जो थोड़ा प्रॉपर हमें लग रहा है कि ये वाला आंसर ज्यादा सही हो सकता है, ये क्योंकि रेस्पेक्ट टू अर्थ बात कर रहा है लाइटनिंग की. तो वहां केस में देखो क्या होता है, जो बादल होता है ऊपर वाला चार्ज कैसा हो जाता है, पॉजिटिव, और नीचे वाला नेगेटिव हो जाता है. अर्थ के पास में जब आएगा तो इसका इंडक्शन होगा, इंडक्शन से सामने वाली सरफेस कैसी हो जाती है, ऑपोजिट चार्ज हो जाती है. तो ऑपोजिट चार्ज हो जाएगी तो यहां से देखो फिर क्या होगा, यहां से होगी लाइटनिंग, ये आपकी लाइटनिंग हो जाएगी. तो ये ज्यादा सही है लग रहा है, ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट वन इज इन विच अमंग द फॉलोइंग सिचुएशन द बल्ब वुड ग्लो द मोस्ट, बल्ब कौन सा सबसे ज्यादा. देखो यहां अगर वी पोटेंशियल है, ये वी है तो ये दो बैटरी लगी है, 2V है, यहां 2V है, तो यहां दो बल्ब में डिवाइड हो जाएगा तो आधा आधा मिलेगा, V/2, V/2. यहां वी मिल रहा है, यहां 2V है, तो इसका मतलब आधा आधा हो जाएगा, वी और वी मिल रहा है. यहां 2V पैरेलल में है तो यहां इसको 2V मिल रहा है, इसको भी 2V मिल रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा जो ग्लो होगा वो कौन सा होगा, नेक्स्ट ऑप्शन 4 में. नेक्स्ट वन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग डायग्राम्स में करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए स्काई डाइवर ड्यूरिंग ए जंप. स्काई डाइवर जब जंप कर रहा है उसकी बात कर रहा है तो उस केस में क्या होता है, तो पहले जब वो ऊपर से शुरू करता है, डाइव करता है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, फिर ग्रेविटेशन के कारण उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, और उसके बाद उस पर जो बायोंट फोर्स है, फ्रिक्शन है, वो एड हो जाता है, तो वो थोड़ा स्लोली क्या करता है, इंक्रीज करता है, टर्मिनल वेलोसिटी पे आ जाता है, यानी स्लोली ही इंक्रीज होगा. अब उसके बाद क्या होता है, जो ही वो पैरासूट क्लिक करता है तो पैरासूट ओपन होते ही अचानक से वो बिल्कुल से स्पीड डाउन हो जाती है, एकदम से रुक जाता है, ऐसा लगता है वो रुक ही गया है. तो अचानक से क्या हो जाता है, स्पीड में डाउनफॉल आता है, और फिर उसके बाद डाउनफॉल होने के बाद टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड कम हो जाती है, और कम स्पीड से वो धीरे धीरे नीचे आता है. तो ये जो केस है वो सबसे ज्यादा प्रोबेबल है. नेक्स्ट वन इज ए व्हीकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम रेस्ट इन फर्स्ट 30 seconds, इट मूव्स विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 m/s² एंड देन नेक्स्ट इन 10 seconds इट मूव्स विद एक्सीलरेशन 5. टोटल डिस्टेंस बाय द व्हीकल इज 550. द वैल्यू ऑफ टाइम इज, टाइम टोटल टी पूछ रहा है फर्स्ट वाला. तो दो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किए हैं, तो फर्स्ट केस में ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया S1 + S2 इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट S. S1 हो जाएगा UT + ½ AT² + A1 T1 कर दो, या T निकालना है तो T हो जाएगा, प्लस S2 के लिए UT2 या T- मान लें +1/2 AT² हो जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट है 550. UT0 है, 1/2 A दे रखा है कितना 2, एंड टाइम हमें फाइंड करना है T² आ जाएगा, प्लस UT. U जो इस केस में है वो डिफरेंट हो जाएगा, तो U जो है इस केस में देखो यहां से जो U आएगा वो इसके पास U होगा, इसका मतलब V = U + AT. U इज 0 इनिशियली, प्लस A कितना दे रखा है 2, टाइम कितना है T,
तो जो अपना V है वो यहां किसका काम करेगा S2 के लिए, U का, that will be U is 2T and into T2 plus 1 by 2 AT2 square. ये हमारे पास आ जाएगा. टाइम जो यहां दिया है वो कितना दिया है, 10 दिया है. 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां आ गया टी स्क्वायर प्लस यहां 10 इंटू 2 20 टी आ जाएगा और प्लस 1 बाई 2 ए जो है एक्सीलरेशन, सेकंड टाइम में जो एक्सीलरेशन है वो 5 है इंटू टाइम है 10, 10 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 550. And here is a quadratic equation by that is t square plus 20t and 500 आ जाएगा यहाँ पर, 5 into 100 upon 250 plus 250 आ जाएगा, that is 550. Cancel out करेंगे तो t square plus 20t that is minus 300 is equal to 0. After solving this the time t will be 20 सेकेंड टोटल टाइम आ जाएगा और जो हमें टी रिक्वायर्ड है वो कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड. दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पंपकिन वेज 7.5 न्यूटन ऑन सबमर्जिंग इट कंप्लीटली. पूरा पंपकिन जो है वो सबमर्ज कर दिया है पानी में और उसको कितना वाटर डिस्प्लेस करता है वो है 3/4 लीटर. तो ये जो अपना मास जो हमें पूछा है वो पूछा है डेंसिटी. तो डेंसिटी जो हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम जो है इसका कितना मिला हमें, 3/4 लीटर. मास इसका कितना मिला, यहां से हम मास कैलकुलेट करेंगे. जी एम जी द गिवन है कितना, 7.5. तो हम अगर मास निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0.75, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.75 आ जाएगा अपॉन वॉल्यूम जो है अपना वो कितना हो जाएगा, 3.4 लीटर, यानी 0.75 लीटर. और इतना ही केजी में होता है ये, तो ये अपने पास वॉल्यूम जो है वो लीटर में आ जाएगा अपना. दैट इज कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा कितना, 1. यानी अपना अगर ये लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वाटर के इक्वल ही आ रहा है. तो वाटर के इक्वल जो है वो कितना आ जाएगा, 1000 केजी पर मीटर क्यूब. नेक्स्ट वन इज इन इनकंडेंसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट्स 20% ऑफ इट्स पावर. P इज इक्वल टू पावर बता रहा है, एनर्जी लॉस आपसे पूछना चाह रहा है. H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, एनर्जी E लिख लेते हैं अपन, आई स्क्वायर आर टी. आई हियर गिवन इज 200 ओम रेजिस्टेंस है और 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 200 आ जाएगा इंटू टाइम जो है वो 10 आवर्स है. तो 10 आवर्स कर दिया, इसका मतलब अपना आ जाएगा 4 × 2 × 800 × 10 और दैट इज 8000 वॉट इनटू आवर. हमारा ये सॉल्यूशन आया है, हमें चाहिए किलोवाट. इसका मतलब हम 1000 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो यूनिट्स आएंगी वो कितनी आ जाएंगी, 8 यूनिट्स. और 8 यूनिट्स जो है उसकी प्राइस जो है वो कितनी आ जाएगी, 5 से कैलकुलेट करेंगे 40 आ जाएगा. अब ये कह रहा है कि लाइट में कन्वर्जन कितना खर्च किया है, तो लाइट के लिए 20% खर्च कर रहा है, तो 20/100 आप करेंगे तो ये पैसे आ जाएंगे कितने, 8 रुपए. नेक्स्ट वन इज निम्न में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट. कॉन्सेप्ट ऑफ हीट कौन सा ट्रांसफर करता है, तो सबसे जरूरी चीज है हीट के लिए टेम्परेचर में चेंज. तो ये कह रहा है कि द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, बिल्कुल सही है, यही हम हीट को डिफाइन करते हैं इसी से, टेम्परेचर डिफरेंस से. द मासेज ऑफ टू प्लैनेट्स आर इन रेशियो ऑफ 1:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स इज 2:1. द रेशियो ऑफ फोर्सेज विच दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर इज, रेशियो ऑफ फोर्सेज की बात होती है, M1 और M2 के बीच का फोर्स होता है, कोई भी साइज हो कोई भी शेप हो एक्शन रिएक्शन होता है, तो 1:1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. नेक्स्ट वन इज ए कार वेज 1000 केजी, इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज 1, एंड द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, द कार स्टॉप्स इन 0.2 सेकंड. चेंज इन मोमेंटम से कर सकते हैं, रिटार्डिंग फोर्स F इज इक्वल टू डेल P अपॉन डेल T आ जाएगा. डेल P फाइनल हो गया 0 माइनस MV उसका था पहले से, और डेल T जो टाइम दिया है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस आ जाएगा मतलब रिटार्डेशन हो रहा है. मास है 1000 इंटू वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आर को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ आ जाएगा 20 अपॉन टाइम गिवन है कितना,
0.2 पॉइंट हटाएंगे, 10 ऊपर आ जाएगा, दैट इज 1000, 2 से 2 कैंसिल हो गया 10, ये हो गया 100 इंटू और किलो, ये रहा किलो न्यूटन और कैसा नेगेटिव, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 किलो न्यूटन. नेक्स्ट वन इज देयर इज अ बॉल ऑफ मास 320 ग्राम एट हैज पोटेंशियल, जब उसको फ्रीली फॉल में वो नीचे गिरेगा तो जो सारी पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. देन 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, एम जी एच जो हमें गिवन है वो कितनी है 625 है, तो 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 एंड वी स्क्वायर विल बी 625 अपॉन में मास कितना है 320 ग्राम, ग्राम है उसको कन्वर्ट करेंगे 1000 आ जाएगा और साथ में मास इंटू 2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे 2 ये आ जाएगा 160 और ये कैलकुलेट करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा वी, वी रूट बाय सॉल्विंग दिस वन द आंसर विल बी 62.5 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेस्ट व्हीकल एक्सीलरेट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ईस्ट फॉर 10 सेकेंड, अगेन स्टॉप होता है फिर रुकता है फिर 4√2 से वो एक्सीलरेट होता है तो 10 सेकेंड के लिए चलता है, यानी हमें ये फाइंड करना है. इधर आया एक्सीलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 1/2 80 स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, 1/2 80 स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट यह आ जाएगा 1/2 a, दैट इज 2 एंड टाइम इज 10, 10 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कितना आ जाएगा 1000 मीटर और ये वाला आ जाएगा 1/2 एक्सेलरेशन है 4√2 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे हम तो यह आ जाएगा 200√2. जब आप स्ट्रेट पॉइंट पे जाएंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका दोनों के बीच की सीधी डिस्टेंस, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ एंड बाई कैलकुलेटिंग दिस रूट रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 200√2 का स्क्वायर अपना हो जाएगा और ये कैलकुलेट करेंगे 300 मीटर अपने पास आ जाएगा. नेक्स्ट ठीक है, ये होगा जेम्स वाट. नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो सीएन डावर होगा. अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं तो ओनली वी टू, ये तो इनका यात्रा था, जर्नी थी कहां से, तंजौर से तिरुचिरापल्ली तक, फिर इसके बाद डी पोचमपल्ली. अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं तो ये मेज, काजू, पाइनएप्पल, टोबैको ये सब कौन लाए थे, पुर्तगीज. चल ये यहां पे अगर हम बात करते हैं तो सी विल बी द वन एंड टू विल बी द राइट आंसर और यहां पे आप देखेंगे तो बी. और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करता हूं तो ये विल बी द राइट आंसर और 149 की बात करता हूं तो सी वन एंड टू एंड 150 की बात करता हूं तो गैब्रो विल बी द राइट, कौन सा आग्नेय और कांति सदक दोनों का उदाहरण है तो गैब्रो विल बी द राइट आंसर. इसी के साथ आपका पेपर सॉल्व होता है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत.